चरण का मतदान है जो परसों 18 तारीख को होना है। ये हमारे अभी फर्स्ट चरण में कुल 5 जो हमारे नगर पंचायत हैं अहमदाबाद, मनिहारी, बारसोई, कोढ़ा और कुर्सेला में होना है। इन 5 नगर पंचायतों में कुल 72 वार्ड हेतु इलेक्शन होगा। इन 72 वार्ड में इलेक्शन के लिए हम लोगों के द्वारा 118 बूथ चिन्हित किए गए हैं और कुल जो मतदाता इसमें भाग ले सकते हैं उनकी संख्या 79,720 है, यानी 79,720। और जो इन 5 नगर पंचायतों में जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि मुख्य पार्षद हेतु कुल 55 कैंडिडेट हैं, उप मुख्य पार्षद हेतु कुल 48 कैंडिडेट हैं और पार्षद के पद हेतु कुल 413 कैंडिडेट इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। मतदान 18 तारीख को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा और इस मतदान जो हमारा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। इसके लिए प्रत्येक जो हमारे भवन हैं, कुल 118 बूथ पर हमारे 78 भवन हैं, उन प्रत्येक भवन पर हमारे स्टैटिक आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त 48 हमारे PCCP यानी गश्ती दल के जो हमारे मैजिस्ट्रेट होते हैं वो होंगे, 19 सेक्टर हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः जिला स्तरीय वरीय उप समाहर्ता लेवल के पदाधिकारियों को डिप्लॉय किया है और 20 क्लस्टर पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किया है इन 5 नगर पंचायतों में। क्लस्टर पॉइंट्स से अभिप्राय यह है कि वैसे एरिया हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहाँ पर जो हमारे रिजर्व EVMs होते हैं, कहीं पर EVM अगर ख़राब हो या नहीं स्टार्ट होने की सूचना आए तो तत्काल उसे बदला जा सके, निराकरण किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने 20 क्लस्टर पॉइंट का भी किया है जिसमें हमारे जो बेल के इंजीनियर्स होते हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति है। नियंत्रण कक्ष सभी स्तर पर हम लोगों ने लगा दिया है और इसके अतिरिक्त जो काउंटिंग है वो हमारा 20 तारीख को होगा। उसके पहले मैं बताऊँ, इलेक्शन समाप्त होने के बाद जितने भी हमारे पोल्ड EVMs हैं वो सारे नगर पंचायतों में बूथों से लेकर के हम लोग 3 गछिया बाज़ार समिति जो हमारा कटिहार टाउन में अवस्थित है वहाँ पर लाएंगे। वहीं पर हमारा वज्रगृह बना हुआ है, वज्रगृह में हम लोग इसको संधारित करेंगे, सील करेंगे और 20 तारीख को 8 बजे सुबह से उन अलग अलग काउंटिंग हॉल्स में हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा। काउंटिंग में हम लोगों ने गत जो हमारे पंचायत इलेक्शंस में हम लोगों ने प्रारंभ किया था OCR टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल जो हमारा टेक्नोलॉजी है जिससे कि कैमरे के माध्यम से EVM के ऊपर कैमरा लगा होता है और सीधे जो भी हमारी उसमें काउंट आती है वो कैप्चर हो करके और सीधे पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वर में चली जाती है। उस माध्यम से हम लोग 100% उस माध्यम से हम लोग काउंटिंग करेंगे और आशा करते हैं कि काउंटिंग भी हमारा शाम होते होते संपन्न हो जाएगा। जैसे जैसे काउंटिंग समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग उसको जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे उनको हम लोग सर्टिफिकेट वितरण करते चले जाएंगे। कुछ इलाके दीरा के क्षेत्र में दियर जो है वो नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं आता है तो इसीलिए वहाँ पर वोटिंग नहीं, ये तो मेनली जो शहरी क्षेत्र हैं हमारे नगर निकाय के वहीं पर वोटिंग हो रही है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है दियर क्षेत्र में कोई भी इस बार बूथ नहीं है। आचार संहिता उल्लंघन का भी कोई मामला? आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अभी FIR हुआ है, कुछ अन्य मामलों में भी जाँच चल रही है। सोशल मीडिया पर इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई न्यूज़ चला था जिसमें नगर निगम कटिहार के किस वार्ड में कौन प्रत्याशी जीत रहे उस संबंधी कोई खबर चलाई गई थी जो कि आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था, इसीलिए इस पर FIR किया गया, जांच चल रही है।